Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की पहली वॉर कब हुई थी और उसका रीज़न क्या था। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान पहले एक ही कंट्री हुआ करती थी जो 1947 में डिवाइड हुए थे। इंडिया पाकिस्तान पहले एक ही कंट्री थे, एक ही जैसा कल्चर था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के एकदम बिल्कुल आमने सामने आ गए और आज एक दूसरे के दुश्मन हैं और वो दुश्मनी आज तक कायम है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की थी पहली शुरुआत और फर्स्ट वॉर जो हुई थी वो कब हुई थी, तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके हमेशा से ही टेंशन वाली सिचुएशन रही है। कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, पैराडाइज, जन्नत तक का दर्जा दिया गया है। इतनी खूबसूरत जगह है ये। यहाँ के जो झीलें हैं, यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं, माउंटेन्स हैं, उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। बट यहाँ के लोगों की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। हर दिन जो है वहाँ के लोग खौफ में जीते हैं कि किस दिन जो है हमें गोली लगेगी और हमारा जो है अंत हो जाएगा। वो गोली सिर्फ टेररिस्ट की नहीं, पुलिस वालों की भी हो सकती है। अगर वो पुलिस की मदद करेंगे टेररिज्म के बारे में या कुछ खुफिया जानकारी देने की कोशिश करेंगे तो टेररिस्ट उन्हें मार देंगे, और अगर वो टेररिस्ट की किसी मजबूरी में मदद भी करते हैं तो पुलिस वाले उन्हें मार देंगे। तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा भयानक वहाँ पर हो चुकी है। ये जानते हैं कश्मीर की ऐसी हालत क्यों हुई, और कश्मीर ही वो जगह है जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी। इंडिया के इंडिपेंडेंट होते ही 1 मंथ के बाद ये वॉर शुरू हो गई थी जो 1947 से 1948 तक चली थी। अब आगे जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि फादर ऑफ नेशन पाकिस्तान है, उन्होंने टू नेशन थ्योरी का प्रपोजल रखा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिलने के बाद एक कंट्री नहीं, दो कंट्रीज बनेंगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एक होगा पाकिस्तान जो मुस्लिम मेजॉरिटी लोगों के लिए था, और दूसरा होगा इंडिया जो कि हिंदू मेजॉरिटी लोगों के लिए होगा। क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सिक्योर नहीं होगी, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अंदर रूल्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी वेलफेयर एक्टिविटीज़ और सब कुछ बनाए जाते हैं रूल्स। तो हो सकता है फ्यूचर में मुस्लिम्स इस कंट्री के अंदर सिक्योर ना हो। तो उन्होंने एक नई कंट्री के लिए डिमांड रखी थी, वो था पाकिस्तान। जैसे कि हमें आज पता है पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है जिसमें लॉज बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम, बट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। सो 1947 के अंदर दो कंट्रीज़ बनी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। बट प्रॉब्लम्स वहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो तो शुरुआत थी। जो आज हम यूनाइटेड इंडिया देखते हैं शायद वो एक ड्रीम बनकर भी रह सकता था। 1947 के अंदर इंडिया में दो तरीके के स्टेट्स होते थे, एक ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया जो इस मैप के अंदर येलो पार्ट से शो किया गया है, और प्रिंसली स्टेट जो ब्लू पार्ट से शो किया गया है। अब ब्रिटिश इंडिया वो वाला पार्ट जिसको ब्रिटिशर्स कम्प्लीटली अपने आप से कंट्रोल कर रहे हैं, उन पर उनका कम्प्लीट सोवरन रूल चलता है। बट प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे किंग और प्रिंसेस जो हैं वो रूल करते हैं, उनका अपना रूल वहाँ पे चलता है। कहीं ना कहीं वो अंडर तो ब्रिटिशर्स के ही आएंगे, बट थोड़े बहुत चेंजेस, थोड़ी बहुत पावर उन प्रिंसेस और किंग्स के पास भी है। इस टाइम पर प्रिंसली स्टेट्स 565 थे। तो इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस करना कि वो इंडियन टेरिटरी के साथ अपनी टेरिटरी को मर्ज कर दें, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डिफ़िकल्ट टास्क क्यों है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो जितने भी लोग थे यहाँ पे, चाहे इंडियन कॉमन पर्सन, किंग्स और प्रिंसेस, सब ने मिलकर फाइट किया था ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालने के लिए। जब वो यहाँ से जा रहे हैं तो वो क्यों अपनी टेरिटरी को इंडिया के साथ मर्ज नहीं करेंगे? तो इसकी प्रॉब्लम भी ब्रिटिशर्स जाते हुए खुद ही क्रिएट करके गए थे। तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए थे जाते वक्त, या तो आप अपनी टेरिटरी को ज्वाइन करा लो पाकिस्तान के साथ, या फिर आप अपनी टेरिटरी को ज्वाइन कर लो इंडियन टेरिटरी के साथ।
अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ नहीं जाना तो आप अपनी स्टेट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो, आप एक कंट्री बन जाओ, आपका खुद का फ्लैग होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा और आप जैसे मर्जी जिस तरीके से उस कंट्री को रूल करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब इन 565 प्रिंसली स्टेट्स में से एक स्टेट जम्मू कश्मीर भी थी जहाँ के किंग का नाम हरि सिंह था। अब हरि सिंह ने उस टाइम पे डिसाइड किया था कि वो अपनी टेरिटरी ना ही पाकिस्तान ना ही इंडिया में मर्ज करेंगे और मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ पर मुस्लिम्स हैं। अब यहाँ पर हरि सिंह ने ना ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था ताकि वो ट्रेड कर सके पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, और वैसा ही एक ट्रेड एग्रीमेंट वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी करना चाहते थे। बट वो ट्रेड एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन करने से पहले ही वहाँ पे अटैक हो गए, टेररिस्ट ने वहाँ पे अटैक कर दिया जिसकी वजह से वो ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाए। और ये टेररिस्ट अटैक इंडिया के इंडिपेंडेंट होते ही कुछ दिनों बाद ही शुरू हो गया था। महाराजा हरि सिंह की जो आर्मी थी वो इससे फाइट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। ये टेररिस्ट अटैक देखते ही देखते बहुत बढ़ गए थे। अब यहाँ पर जो महाराजा हरि सिंह है वो मदद मांगने पहुँचे इंडियन गवर्नमेंट के पास, और उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको लेटर लिखा गया कि हमारी मदद करें। बट यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया कि हम किस हक से जो है वहाँ पे अपनी इंडियन आर्मी भेजें, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो तो इंडियन टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है, तो हम कैसे एक एक्सटर्नल कंट्री में अपनी आर्मी भेज सकते हैं मदद करने के लिए। तो उस टाइम पर फाइनली महाराजा हरि सिंह ने एग्रीमेंट साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और उस टाइम का एग्रीमेंट का डेट है 26 अक्टूबर 1947। तब फाइनली जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर साइन करके महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को इंडिया को सौंप दिया था। इस एग्रीमेंट के साइन होने पर इंडियन आर्मी जो है जम्मू कश्मीर जाती है और वहाँ से टेररिस्ट को पीछे धकेलती है। बट इसके बाद जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये एग्रीमेंट अंडर प्रेशर साइन किया गया था। यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो उसको मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, और यहाँ पर वो पहुँच जाते हैं अपनी आर्मी लेके कश्मीर में, और इस तरीके से होती है फर्स्ट इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर जो कि हुई थी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। जब ये वॉर चल रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मदद मांगने UNO चले गए। UNO जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 1945 में बनी थी, जिसका मेन मकसद क्या था कि सारी जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना जाएं, अगर उनके कोई बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं तो वो ऑन टेबल बैठ के उसको डिस्कस करें, पीसफुली डिस्कस करें, फ्रेंडली रिलेशंस बनाएं, ट्रेड करें, प्रॉस्पैरिटी लेके आएँ, पीस लेके आएँ पूरे वर्ल्ड में। तो ये UNO का काम है। आज के टाइम में जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं 193 वो सब की सब कंट्रीज़ जो है UNO की मेंबर हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि शायद UNO जो है इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं, जो कि उन्होंने दिया भी। तो UNO ने तीन ऑप्शंस दिए कि फर्स्ट ऑप्शन ये था कि यहाँ से सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी जो है वो पीछे हट जाए, सेकेंड जो इंडियन आर्मी है वो पीछे हट जाए, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे वोटिंग हो, प्लेबिसाइट करवा दें और लोग वहाँ पे डिसाइड करें कि वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान में अपनी टेरिटरी को ऐड करना है या फिर इंडियन टेरिटरी के साथ। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को पीछे हटाने से साफ साफ इनकार कर दिया, तो इंडियन आर्मी पीछे कैसे हट सकती थी। अब जब ये मुद्दा UNO में गया था, दोनों आर्मीज जहाँ रुकी हुई थी वहीं पर रुक गई थी, और वहाँ पर इन्होंने एक लाइन, एक सीज फायर ड्रॉ कर दिया, एक फेंसिंग ड्रॉ कर दी। ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये एक लाइन है जिसका पहले नाम था सीज फायर, और बाद में 1972 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, तो इस सीज फायर का नाम जो था वो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया था। अब इस मैप के अंदर POK मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंडर है, और दूसरी तरफ है इंडिया यानी कि इंडिया का जम्मू कश्मीर। फिर यहाँ पर अक्साई चिन्ह, जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी 1962 के अंदर, तो ये वाला जो एरिया है अक्साई चिन्ह का वो चाइना के पास चला गया था, और चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन डिवाइड कर रही है वो है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC और LAC दोनों ही लाइंस है, बॉर्डर्स नहीं है। एक लाइन डिवाइड करती है इंडिया को पाकिस्तान से और दूसरी लाइन डिवाइड करती है इंडिया को चाइना से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर तीन कंट्रीज़ हैं जो अपनी टेरिटरी होने का दावा करती हैं। आई होप आपको ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।
एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. थैंक यू.